Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Thank you.
जब तक घाव न भर जाए यहीं पे रखना, चाहे महीना लग जाए, पानी भी मत देना उसे, समझे? मर गई तो मरने दो। कॉफी इज नॉट माय कप ऑफ टी। कभी कभी मुझसे भी पूछ लिया करो कि मेरी पसंद क्या है। तुम्हारी पसंद सिर्फ एक चीज पर ठीक है और वो हूँ मैं। बाकी चीजों की पसंद मुझ पर छोड़ दो। डिक्टेटर? सिर्फ डिक्टेटर? और भी बहुत कुछ हूँ। खमंडी, स्वार्थी, झगड़ालू, डोमिनेटिंग, इन शॉर्ट अ कंप्लीट स्पॉइल्ड ब्रैट। तुम्हारे पिताजी तुम्हें कैसे संभालते होंगे?
हाँ, he must be looking after you. उनकी छोड़ो, वो तो पूरे स्टेट की देखभाल करते हैं. तुम मुझे कैसे संभालोगे, इसकी चिंता करो. वाकई में बड़ी चिंता है यार, सोचना पड़ेगा. Excuse me, मैडम आपके लिए. Thank you. Thank you very much. तुमसे अच्छा तो याद नहीं है, कम से कम फूल तो दिया. उससे शादी कर लो ना, जिंदगी भर फूल देता रहेगा. Not a bad idea. पापा से बात करो. By the way, पापा कह रहे थे कि वो अपना बर्थडे तुम्हारे साथ मनाना चाहते हैं. By the way, पापा उनका बर्थडे है, मेरा तो आजमा तो ठीक है. Bad girl. नहीं, वो सब कुछ जानते हैं. अब कौन सी क्यों जी. Mad, 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 mad. वो सब कुछ जानते हैं. हेलो. हेलो जगू. हाँ भाई. तुमने कल रात को मिस्टर कमानी के केस पेपर्स तैयार किए थे, उन्हें जल्द से जल्द कोर्ट लेकर पहुंचो. मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में. ओके बेटर. बेस्ट अभी है. बेस्ट बेस्ट. भाई का फोन, कोर्ट जाना पड़ेगा जल्दी. कॉफी पी लो फिर चले जाना. ओके डिक्टेटर, चलो जल्दी. रघु जगू एंड कंपनी. बड़ी कंपनी तो बन सकती है क्योंकि हम दोनों भाई होनहार है, जोरदार वकील है. आई एम कॉन्फिडेंट अगर तुम्हारा ब्रिलियंस, मेरा एक्सपीरियंस और हमारी मेहनत एक साथ हो तो स्काई इज द लिमिट. देयर इज नो लिमिट भाई, देयर इज नो लिमिट. और वैसे भी आपके और मेरे विचारधारा में बहुत फर्क है. ये तो ठीक कहा तुमने. एक वकील का सबसे बड़ा फर्ज अपने क्लाइंट को बचाना होता है. Sure. You must have some ambition. अगर रेस में उतर जाओगे तो कहां से कहां पहुंच जाओगे. होम स्वीट होम. और एक बात सुनो, दिस इज अवर प्रोफेशन जगू. हम पैसा कमाने के लिए वकील बने हैं. हम नहीं भाई. आप इससे ज्यादा और क्या कमा लेंगे भाई. एनीवे मनोज, मनोज लाइट ऑन कर. मनोज पानी लाता हूं. खाने में क्या है. वही बोरिंग हेल्थ फूड भाई, हर रोज की तरह कोई नहीं बात. भाई आज आप ही बनाओ ना खाना, बहुत दिन हो बनाए. करेला बनाइए ना भाई. सुनीता को बुला. बेटर बेस्ट. जिसको मोहब्बत वो हो तुम, रब ने बनाया जिस दिल से वो हो तुम. हुस्न ये गजब का अदाए है कातिल, जैसे कयामत के लुट ही गया दिल.
जिसको मोहब्बत वो हो तुम, रब ने बनाया जिसे दिल से वो हो तुम। कुछ ज्यादा मत खाओ, मोटे हो जाओगे। अभी तो खाना शुरू किया। हाँ, इसमें तेल बहुत है। चलो ये लो, सैलेड खाओ। खुद खा रही हो, उसका कुछ नहीं। चिकन तुम भी खा सकते हो। मटन चिकन मैं नहीं खा रहा। पिताजी, भारत भाई का फोन है। सुबह से 3 बार आ चुका है। क्या कहूं? कह दो, खाने पर बैठे हैं, कल सुबह बात करेंगे। संजू, खाने के वक्त तो सबको बोर मत करो। ठीक है। मैं एक पत्रकार हूं सर, इस लड़की पर बलात्कार हुआ है, मुझे कंप्लेंट दर्ज करवानी है। इस लड़के के आप कौन लगते हैं? मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, यह लड़की रास्ते पर पड़ी हुई थी, इसने जो भी कुछ भी कहा उसकी रिपोर्ट में लिखवाना चाहता हूँ। आपके पास क्या सबूत है इसने आपको जो कुछ बताया वो सच है? इसका फैसला अदालत करेगी। आप प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अरे हवलदार, कंप्लेंट बुक क्यों ने? अच्छा, लड़की का नाम क्या है? पार्वती शास्त्री। अच्छा, और वो जो एक्यूज है, मतलब जिस पर इल्जाम है, उसका नाम क्या है? संजय आचार्य। नहीं, पूरा नाम बताइए, मतलब बाप का नाम बताइए। आदरणीय मुख्यमंत्री जगदीश आचार्य। हवलदार जी साहब, वो जो फाइल ऊपर भेजने बोले क्या ना? यहाँ पर साइन कीजिए। आप चाय पीएंगे? हाँ हाँ पीऊंगा। अरे हवलदार, एक चाय संग अनमाला पानी देकर। अरे लेडी कांस्टेबल आई कोई?
देखो भाई, एक काम करना, वो जो लड़के वहां बैठे ना उसे अंदर लेके जाओ। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। हाँ ठीक है। सर वो क्या है कि अपने सीएम आचार्य साहब, हाँ जगदीश जी, हाँ उनके बेटे के खिलाफ। हेलो, मैं पुलिस कमिश्नर वीएन पांडे बोल रहा हूँ। मुझे चीफ मिनिस्टर साहब से जरूरी बात करनी है, बहुत खास बात है, मेरी बात कराओ। सर कमिश्नर वीएन पांडे का फोन है। क्या संजय मेरे बेटे ने रेप? FIR? जो कानूनन है वो कीजिए। थैंक यू। आचार्य को अपना नेता चुन लेना चाहिए और ये फैसला परसों की मीटिंग में हो जाना चाहिए। क्यों, ठीक है ना जी? आप ही का नंबर है। अरे सीनियर है। और कौन? आप देख लीजिए कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 65 है मैंने। जो है ना उनका सपोर्ट किया है जी। और भाई सुनीता सीएम बन रही है। सीएम? अरे वो लड़की जिसको राजनीति का एबीसीडी भी नहीं पता है वो सीएम बनेगी? पागल हुआ है क्या? बोलो, अरे पूरे प्रदेश का भट्टा बैठ जाएगा। और क्या? वाकई मुझे लगता है सजेशन उसके भाई का होगा, संजय का। वो बच्चा हुआ भी है, लेकिन ये जो मिसेज जोशी है ना वो सच्चा नहीं। देखता हूँ कैसे बनती है। फिर वही बात, समझते हैं कोई फायदा नहीं। संजू मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इस सब्जेक्ट को यही खत्म कर दो प्लीज। ग्रेट, एकदम सही फैसला है। सबसे ज्यादा खुश तो अपोजिशन वाले होंगे। तुम भी धोनी के बेटे हो, तुम क्यों नहीं बन जाते सीएम? मैं अपनी बहन के साथ बात कर रहा हूँ, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं। मैं कह रहा था सुनीता, मैं सीएम नहीं बन सकता। तुम तो जानती हो कि राजनीति में मैं पिताजी के कितने नजदीक था। वो लोग
वो लोग मुझसे उतना ही जलते हैं जितना पिताजी से जलते थे। तुम्हारी बात अलग है, तुम एक लड़की हो, आने वाले इलेक्शन में तुम्हारे नाम पर सिंपति वोट्स मिल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अनाड़ी और सीधी सादी समझकर वो फौरन स्वीकार कर लेंगे। और फिर तुम मेरी तबीयत के बारे में तो जानती ही हो। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूंगी कि पार्टी ने सर्वसम्मति से अपना नया नेता चुन लिया है। हमारे मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री जगदीश आचार्य की पुत्री कुमारी सुनीता आचार्य। पार्टी ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन असली फैसला जनता करेगी 2 महीने बाद इलेक्शंस में। लेकिन मैं उन आदर्श और सिद्धांतों की हत्या नहीं होने दूंगी जिनके लिए मेरे पिता जिए और जिनके लिए मेरे पिता ने प्राण त्याग दिए। मैं सिर्फ अपनी पार्टी और प्रदेश के प्रति जवाबदेह नहीं, बल्कि पूरे देश के प्रति जवाबदेह हूं। सुनीता, 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 उठो ना, सुनीता प्लीज उठो, सुनीता, क्या है? उठो ना, संजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या बात कर रही हो तुम? सर, सुनीता आचार्य जी आ गए हैं। बैठिए सर, बैठिए प्लीज। अरे कांस्टेबल, संजय साहब को छोड़ दो। तुम संजय को लेकर आओ, बाद में बात करते हैं। ठीक है। कुछ कर सकता हूं? मैं अपने तसल्ली के लिए जाना चाहता हूं, सिर्फ हां या ना में जवाब देना। नो नहीं, नो। वेरी मच। अब जमानत तो कर ली, अभी केस भी तुम ही संभालो। बहुत सीरियस केस है, रघु भैया हैंडल करेंगे। सीरियस तो है, लेकिन कितना सेफ भी है। सब कुछ तुम्हारे फेवर में है, और सबसे बड़ी बात, संजू निर्दोष है। He's got a strong alibi, और जगू ये पूरा केस झूठा है, राजनीतिक चाल है। एक्सपोज करना बहुत आसान होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। संजू, मैंने कहा ना, जग्गू ही केस लड़ेगा। क्या गारंटी है कि जग्गू जीत जाएगा? हमें कोई टॉप का वकील चाहिए, टॉप का। टॉप का वकील वो होता है
जो समझदार हो, ब्रिलियंट हो, जो हमारे दर्द को समझता हो, जग उससे ज्यादा तुम्हारे और मेरे दर्द को कोई नहीं समझ सकता संजू। और तो और रघु भैया भी तो है हमारे साथ। तुम्हारी जान बचाने के लिए जग्गू अपनी जान लड़ा देगा, तुम भरोसा रखो। जग्गू, यू डोंट हैव टू वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो भैया, कोर्ट के लिए दे रही। इंस्पेक्टर आने, मिस पार्वती शास्त्री का एफआईआर आप ही ने दर्ज किया था? जी हाँ। वो थाने में अकेली आई थी या उनके साथ कोई था? जी नहीं, उनके साथ एक बूढ़े से व्यक्ति थे। ये बूढ़े से व्यक्ति कौन थे? पार्वती शास्त्री के पिता, नाना, ताऊ, दादा या कोई और? जी नहीं, वो उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, वो एक पत्रकार थे और उसी हैसियत से उनके साथ आए थे। क्या पहले एफआईआर लिखने में आपने आनाकानी की थी? जी हाँ। क्यों? मिलोर, पहली बात तो ये है, ना ही उस लड़की के कोई कपड़े फटे थे और ना ही उसके बदन पे किसी जख्म या खरोच के कोई निशान थे। उसे देखकर तो बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि इसके साथ कोई अत्याचार हुआ हो, क्योंकि मिलोर, अक्सर ये देखा गया है जब किसी लड़की पे बलात्कार होता है तो बलात्कार होने के बाद लड़कियां चिल्लाती है, रोती है, लेकिन ये लड़की ना ही चिल्ला रही थी ना ही रो रही थी। और इसके अलावा? इसके अलावा मिलोर, उस लड़की ने जिस आदमी पर ये इल्जाम लगाया था, उस आदमी का सामाजिक स्तर बहुत ही ऊंचा है, उसके समाज में इज्जत है, जबकि इस लड़की का सामाजिक स्तर बहुत ही नीचा है, मामूली। रिपोर्ट दर्ज करने में पार्वती शास्त्री ने जोर दिया था या पत्रकार महोदय ने? जी नहीं, वो जोर उन पत्रकार महोदय ने ही दिया था, और मिला उन्होंने मुझे धमकाया भी था। That's all your honor. Thank you, Inspector. Mr. विद्यार्थी, can call? जी। आप इस अखबार में कब से काम कर रहे हैं मिस्टर विद्यार्थी? लगभग 16 साल से। क्या यह सच है कि आपका अखबार सुनीता आचार्य के चीफ मिनिस्टर बनने के खिलाफ है? Yes. हम डायनास्टिक रूल के सख्त खिलाफ हैं। राजा महाराजाओं का जमाना गया जब उनके औलादों को एक के बाद एक गद्दी पर बिठा दिया जाता था और सारी सत्ता सिर्फ एक ही घर में सिमट कर रह जाती थी। आज प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में विकेंद्रीकरण का होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि सुनीता आचार्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आपका ये विरोध संजय आचार्य पर भी लागू हो सकता है? बेशक, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर संजय आचार्य का नाम किसी स्कैंडल में फंसता है तो उसकी बहन सुनीता आचार्य की इमेज धूल में मिल जाएगी और वो मुख्यमंत्री के दौर से बाहर हो जाएगी। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी ऑपोजिशन और ऑपोजिशन से जुड़ी आपके अखबार को हुई। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो चंद रुपयों के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं करेगी और संजय आचार्य जैसे इंसान पर एक गंदा और घिनौना इल्जाम लगा सकेगी, और वो लड़की आपको आसानी से मिल गई। ये झूठ है। थैंक यू मिस्टर विद्यार्थी, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर पंडित। डॉक्टर पंडित, पार्वती शास्त्री का मेडिकल चेकअप आपने किया था? जी हाँ। क्या उनके साथ बलात्कार हुआ था? उनके साथ शारीरिक संबंध तो स्थापित हुआ था, लेकिन बलात्कार हुआ था या नहीं ये कहना मुश्किल है। इस केस में ऐसी क्या खास बात है? लगभग सभी रेप केसेस में साइन ऑफ स्ट्रगल यानी जोर जबरदस्ती के निशान जरूर पाए जाते हैं। तो पार्वती शास्त्री के बदन पर ऐसे कोई निशान मौजूद थे? जी नहीं, नहीं थे। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि उनके साथ बलात्कार नहीं हुआ, शारीरिक संबंध उनकी मर्जी से स्थापित हुआ था। वेल, देयर आर पॉसिबिलिटीज। आपने पार्वती शास्त्री का ब्लड टेस्ट किया था? जी हाँ। तो उसमें कोई खास? खून में थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल भी शामिल था। यानी शराब? जी हाँ, शराब। That's all, Your Honor. Thank you, Doctor. Your Honor, मैं पार्वती शास्त्री के पिता को बुलाना चाहूंगा। आपका नाम क्या है? शंकर वासुदेव शास्त्री। आप पार्वती के पिता हैं? जी हाँ। गुजारा कैसे होता है आपका? मेरी बेटी नृत्य और संगीत की ट्यूशन देती है, उसी से घर चलता है। आपकी बेटी घर में ट्यूशन देती है या बाहर? सुनने नहीं आया। आपकी बेटी घर में ट्यूशन देती है या बाहर? दो तीन लड़कियां तो घर में ही आती है, कुछ के लिए पारो को बाहर जाना पड़ता है उनके घर। बाहर किस समय जाती हैं वो और कब लौट कर आती हैं? बाहर के ट्यूशन पर ज्यादातर शाम को ही निकलती है और रात को देर से घर लौटती है। बाहर वाले स्टूडेंट्स कौन हैं, कहाँ रहते हैं, उसका कुछ पता है आपको? नहीं।
यानी वो घर से जब बाहर निकलती है किससे मिलती है, क्या करती है, किससे क्या संबंध है, आपको कुछ नहीं पता? नहीं, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू, दैट्स ऑल। योर ऑनर, मैं उस लड़की को बुलाकर कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। मिस पार्वती शास्त्री, मैं जो कुछ कहूंगी सच होगी, सच की तरह कुछ नहीं कहूंगी। मिस पार्वती शास्त्री, तुमने अपने पिता से झूठ क्यों बोला कि तुम बच्चों को ट्यूशन देती हो, जबकि तुम्हारा धंधा मर्दों को एंटरटेन करना है और बड़े लोगों के सामने मुजरा करना है। और इन मर्दों में एक ऐसा मर्द भी शामिल है जिसका पुलिस रिकॉर्ड है, जो दिल्ली में 3 बार और मुंबई में 2 बार पकड़ा जा चुका है कॉल गर्ल रैकेट के चक्कर में। इस व्यक्ति का नाम है कमल चड्डा। इसने फ्रेंड के तौर पर एक डांसिंग स्कूल खोल रखा है, जो कि डांसिंग स्कूल है ही नहीं, ये एक वैश्या घर है, एक चकला है। तुम हफ्ते में 3 बार वहां जाती हो और रात भर वहां रहती हो, हाँ या ना? हाँ या ना? ये तुम्हारे पिताजी की मेडिकल रिपोर्ट है, जो तुम्हारे FIR दर्ज करने से ठीक 5 दिन पहले की है। इस रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे पिताजी की दोनों किडनी फेल हो चुकी है और उनके इलाज के लिए, उनकी जान बचाने के लिए फौरन डायलिसिस की जरूरत थी। और डायलिसिस बहुत ही महंगा इलाज है, जो तुम जैसी मामूली गरीब लड़की अफोर्ड ही नहीं कर सकती। फिर भी तुमने 20,000 रुपए 2 दिनों के अंदर हॉस्पिटल में जमा करा। मैं जानना चाहूंगा कि वो रुपए आए कहां से, तुम्हें किसने दिया और क्यों दिया? और हाँ, अगर तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है तो तुम्हारे जिस्म पर कोई निशान नहीं, क्यों? तुमने विरोध नहीं किया, यू डिड नॉट रेजिस्ट। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने अपना बचाव क्यों नहीं किया। संजय आचार्य से मिलने के बाद जब ये गीता के साथ घर लौट रही थी, तब ये बीच रास्ते में उतर गई ये कहकर कि वो किसी से मिलना चाहती है। मैं जानना चाहूंगा कि वो किससे मिलना चाह रही थी, क्यों क्यों मिलना चाह रही थी और किससे मिलना चाह रही थी तुम? मैं बताता हूं योर ऑनर, ये जर्नलिस्ट विद्यार्थी से मिलने गई थी, जो मेरे मुवक्किल आचार्य फैमिली को डिफेम करना चाहते हैं, उन्हें पॉलिटिकली फिनिश कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। उन्होंने इस लड़की को पैसे का लालच दिया और इन्होंने उनका साथ दिया। दोनों ने साथ साथ शराब पी और फिर हम बिस्तरी की और फिर उसके बाद अपनी योजना को अमल करने के लिए पुलिस स्टेशन चले गए। मुझे और कुछ नहीं कहना है सिवाय इसके कि इस लड़की का कोई भरोसा नहीं किया जाए, क्योंकि ये लड़की चरित्रहीन है, ये लड़की बच्चलन है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस केस को जल्द से जल्द डिसमिस कर दें और संजय आचार्य को बाइज्जत बरी कर दें। दैट्स ऑल योर ऑनर, थैंक यू। ये अदालत श्री संजय आचार्य को उनके ऊपर लगाए गए सभी इल्जामों से बरी करती है और मोहतरमा, आपको यह अदालत सख्त ताकीद करती है कि अगर आइंदा आपने ऐसे इज्जतदार शहरी की इज्जत पर बदनामी का कीचड़ उछालने की कोशिश की तो आपका गुनाह बख्शा नहीं जाएगा। फर्दर आपको अदालत यह भी वार्निंग देती है कि आप अपना चाल चलन बिल्कुल सही रखिए ताकि अदालत का ऐसा कीमती समय बर्बाद ना हो। द केस इज डिसमिस्ड। सोच रहा था अगर तुम इसी तरह केस लड़ते रहो तो हमारी कंपनी बहुत तरक्की कर सकती है, हम आसमान को छू सकते हैं। We will touch the skies, Jagu. और तुम इस शहर के बहुत बड़े वकील बन जाओगे। वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू माई फ्रेंड। Cheers. अरे
innocent until proven guilty. You got to believe me, मुझ पर यकीन कीजिए. Yeah, but Indian legal system is still better than most of the system in the world. Jago? Yeah. Jago, बात करना. हाँ बाबा. हाँ. Jago, बात करना. One has to. Jago. Jago. कुछ कानूनी बातें कर रहा हूँ. है कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. क्या बात है? What is it? क्या बात है? ज़्यादा पी रखी? जगो, मेरा जीजा इतना ख्याल रखता है मेरा तो. Thanks. अगर तू मेरे साथ हो तो साला कोई भी लड़की कभी भी उठा सकता हूँ. क्या बात है कर? क्या बात है कर जी? हाँ? What you talking about? एक वो थी टेढ़ी साली सीधे थाने चली गई. किसकी बात कर रहे हो तुम? लड़की जितनी भोली हो मासूम हो उतनी अच्छी लगती है. पार्वती की बात कर रहे हो तुम? ये करता है साली को वापस उठा के लेके आऊं. तुम पार्वती की बात कर रहे हो? सुनीता को मत कहना मैं पार्वती की ये बात कर रहा हूं. बदतमीजी की हद होती है जग्गू. यू हैव क्रॉस्ड ऑल बैरियर्स. इतने लोगों के सामने मेरी और अपनी नाक कटवा दी. आई एम अशेम्ड ऑफ यू एंड यू शुड बी अशेम्ड टू. शुक्र कीजिए मैंने उसे मार नहीं डाला. आई वुड हैव किल्ड हिम भाई. शट अप. नो भाई. यू लिसन टू मी भाई. जग्गू प्लीज भाई. प्लीज भाई. प्लीज. मैं गलत नहीं हूं. मैंने कहा था ना वो लड़की सच बोल रही है. वो सच बोल रही थी भाई. रेप हुआ है? किसने किया? संजय. तुझे कैसे मालूम? अरे उसने मुझसे खुद कहा है भाई. ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है. उसने खुद कन्फेस किया भाई. खुद. अगर वो गिल्टी है तो क्या किया जा सकता है? अदालत उसे बेकसूर मानकर बाइज्जत रिहा कर चुकी है और तूने ही उसे डिफेंड किया था चक्कू. यही तो अफसोस है भाई. क्यों मैंने उसे डिफेंड किया? क्यों मैंने अपने करियर की शुरुआत एक झूठ से की? कहां जा रहा है उस लड़की को ढूंढने? उसे माफी मांगने. माफी मांगने? भरी अदालत में सबके सामने मैंने उसकी इज्जत नीलाम कर दी. वैसे ही जैसे भरे दरबार में दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था. लेकिन मैं वैसा नहीं हूं. उसकी तरह नहीं हूं. सगाई हुई थी बाबू के भास्कर के साथ. भास्कर कृष्णन का बेटा. बाबू बहुत खुश थी भास्कर को पाकर. पर ग्रहण लग गया मेरी जान जैसी बेटी पर. उस ग्रहण के बाद भास्कर ने भी मुंह मोड़ लिया. छोड़ दिया बाबू को. कृष्णन ने तो पारो के आंसू देखने से भी इनकार कर दिया. उजड़ गए सपने मेरी बेटी के. अब जिए जी तो क्या जिए? ये और किसके लिए? मैं तो अब थोड़ी सांसें गिन रहा हूं. एक बार मेरी पारो मुझे मिल जाए बस उसी पल मर जाऊंगा. कहां गई तू बेटी? कहां गई?
उस लड़की का कहीं कुछ पता चला? नहीं चला? समझ नहीं आता कहाँ गई होगी। मैंने सब जगह पता लगाया सर, बट नो क्लू अबाउट हर। अगर आप बुरा न माने तो आपको एक सलाह दे सकता हूँ सर, यू प्लीज डोंट ओपन द केस, क्योंकि इस केस में बड़े लोगों का हाथ है, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने आप को उस लड़की से दूर रखिए, वरना कुछ भी हो सकता है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर 20-25 मर्द और 3-4 बच्चे और 3 औरतें हैं बूढ़ी, यहाँ पर जवान लड़की तो कोई है ही नहीं। डॉक्टर के लिए पूछा था, कब आ रहे हैं? He's on the way. Sooner the better. जल्दी आए तो अच्छा है। मैं पूछती हूँ कि तुम जग्गू की असिस्टेंट हो या घसियारे? तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि जग्गू कहाँ अचानक गायब हो गया? मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मुझे कुछ बता कर नहीं गए। मुझे क्या, अपने भाई रघु तक वो भी कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना नोट छोड़ा मैं बाहर जा रहा हूँ मिशन पर, वहाँ पहुँचते ही फोन करूंगा। अब लेकिन अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। एक्सक्यूज मी मैडम, ना साहब को संजय साहब बुला रहे हैं, आइए। खन्ना साहब जी, रघु को? नहीं, आपने तो मना किया था। गुड, जग्गू कहाँ है? मुझे पता नहीं, मुझे जग्गू चाहिए। बिल्कुल पता नहीं, शायद रघु के पास उसका फोन आएगा ऑफिस में। अच्छा, जरा ध्यान रखना, वो इस शहर में है नहीं है? पता नहीं। पता करो, मुझे किसी भी कीमत पर जग्गू का पता चाहिए। मैं कोशिश जरूर करूंगा। सो जा,
सो जा सो सो जा सो जा सो जा गुजर चुकी हैं, ये सब उसी का असर है और इसी वजह से कभी कभी जो इनके जहन में कुछ हादसे आते हैं, बार बार आते हैं, तो ये काफी अपसेट हो जाती है। नर्स, इन्हें ले जाओ। और वैसे फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन एक बात का आप ख्याल रखिए, कैसे मरीज के दिमाग में अक्सर खुदकशी करने के रुझान बहुत कसरत से पाए जाते हैं, एंड दिस कैन बी वेरी डेंजरस। इसलिए आप इनका पूरा ख्याल रखें और हमेशा होशियार रहें। पारो? पारो? क्या है पैर में? हाँ, क्या डाल दिया पैर में? चलो निकालो, जल्दी निकालो। क्या करते हो? आज मैं खुश हूँ, लो तुम ही बोलो मैं हूँ खुश क्यों। चल रहे हैं तो इसलिए तुम खुश हो, बात यही है ना कहो। तुम नाचो वैसे वो भी झूमे नाचे, झूम झूम झूमे सुनो।
सीधी सादी तो इसलिए तुझको भी दुनिया सारी दिखती है यूं। ये क्या बात बोली, चलो मारो ताली, ये सच ही कहा, यही हो यही हो। आज मैं खुश हूँ, लो तुम ही बोलो मैं हूँ खुश क्यों, जल्दी जल्दी बोलो चलो। साथ चल रहे हैं तो इसलिए तुम खुश हो, बात यही है ना कहो। ये क्या बात बोली, चलो मारो ताली, ये सच ही कहा, ये यो हो ये यो हो। साथ चल रहे हैं तो इसलिए तुम खुश हो, बात यही है ना कहो। ये क्या बात बोली, चलो मारो ताली, ये सच ही कहा, ये यो ये यो। रित 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 रित। उनके साथ एक लड़की भी है। जानता हूं। अरे सुनीता, तुम यहां? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वहां पर। कब तक मातम करती रहोगी? वो नहीं आएगा। वो मुझसे प्यार करता है। अब नहीं, वो लड़की, सॉरी। देखो कैंपेन की तैयारी चल रही है, पार्टी को तुम्हारी जरूरत है। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती, उन्हें कहो कि वो चले जाए। मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, समझी? अब चलो। मत को सोना है। सोने से पहले दवा ले लो। चलो पारो, कमान कमान उठो। चीटिंग किया तो देखा क्या? मैं चीटिंग नहीं करता। में यह भी आवश्यक है कि हम उन कार्यक्रमों को लागू करें जिन्हें मेरे पिताजी चाहते थे। अवश्य अवश्य। यह वो स्पीच है जिसे डिलीवर करने से पहले ही मेरे पिताजी की हत्या हो गई। इसमें वो 10 सूत्री कार्यक्रम है जिनके आधार पर वो चुनाव लड़ना चाहते थे। हम इसे फॉलो करेंगे। टोटल प्रोहिबिशन, माय गॉड, ये तो बहुत ही रेडिकल मैनिफेस्टो है सुनीता जी। अगर इसे एज इट इज फॉलो करेंगे ना तो जनता की भलाई होगी, यही मेरे पिताजी चाहते थे। अगर मुझे सलाह लेनी है तो मैं अपने पिताजी की सलाह लूंगी, आप लोगों की नहीं। अगर मुझे नेता चुन लिया गया है तो मैं वही करूंगी जो मेरे पिताजी चाहते थे, क्योंकि मैं उन्हीं की बेटी हूं।
समझे आप? ठीक है सुनीता जी, जैसा आप कहती। तो हरत जी आप पधारिए और इन 10 सूत्रों को जबानी याद कर लीजिए। अच्छा नमस्कार। सुनीता मैं जग्गू। अरे जग्गू कहाँ हो तुम? माउंट रोज में। I'm really missing you, जग्गू। Me too। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जग्गू, लेकिन उस रात जो तुमने संजय के साथ पार्टी में किया मुझे अच्छा नहीं लगा। संजय ऐसा रेपिस्ट सुनीता। क्या कह रहे हो तुम? उसने पारू का बलात्कार किया है, पर मैं तो उससे भी गया गुजरा हूँ। मैंने तो उसकी इज्जत भरी अदालत में नीलाम की है। जब तो मैं उसकी खोई हुई इज्जत उसे वापस नहीं लौटाता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही हो। संजय ने ऐसा किया है सुनीता, उसने खुद मुझसे कहा। अगर यकीन नहीं आता तो अपने भाई से जाकर पूछ क्यों नहीं लेती? लड़की है, इमोशनल हो जाती है तो नहीं, मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा। हाँ मैं फोन कर लूंगा आपको। क्या है? क्या तुमने पार्वती का रेप किया था? सुनीता मैं भरत भाई से बात कर रहा था। संजय मैंने पूछा क्या तुमने पार्वती का रेप किया था? क्या तुमने पार्वती का रेप किया था? हंसो मत, जवाब दो। उठो उठो यहाँ, जवाब दो मुझको। चलो सुनीता, हाँ। सुनीता क्या बताओ? बताओ क्यों किया तुमने? पागल हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। संजय क्यों किया तुमने? बैठ जाओ, बोलो हाँ या नहीं। संजय जवाब दो मुझे, हाँ या नहीं। तुम्हें मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बताओ, बोली मामा चाहती है मुझे। मारो मारो, पहले पिताजी मरे अब मैं मरूंगा। मैंने बलात्कार नहीं किया है, मैं कहता हूं नहीं किया है मैंने बलात्कार। मैं अपने मरे हुए पिताजी की कसम खा के कहता हूं कि मैंने बलात्कार नहीं किया है। उस वकील का दिमाग घूम गया है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? और ऊपर से तुम उसका साथ दे रही हो। संजय संजय मैं क्या करूं? किसका यकीन करूं? किसका? तुम्हारा? सुनीता सुनीता बताओ। देखो मैं समझता हूं तुम्हारी परेशानी। क्या करूं? बिल्कुल समझता हूं जग्गू। जग्गू वापिस आएगा, जरूर आएगा, मैं उसे लेके आऊंगा। पारो 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 पारो, शेर का बच्चा? बिल्ली। बिल्ली नहीं, शेर का बच्चा। रस्सी बांध दे उसके गले में। उसकी माँ, सुनो, उसकी माँ बाहर वेट कर रही है। पारो नहीं, ये बिल्ली है। पारो बिल्ली नहीं, शेर है। पारो ये मेरा दोस्त है। काटेगा पारो? नहीं पारो नहीं काटेगा। नहीं नहीं नहीं, पारो उसकी माँ बाहर वेट कर रही है। पारो उसे बाहर ले चलो। पारो पारो प्लीज। नहीं गुड, वेरी नाइस।
दबा दे। अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता, उसके बाद सवेरा होता है।
और मैंने कहा था ना, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो और तुम्हारी खोई हुई याददाश्त भी पूरी तरह से वापस आ गई है, मगर ये सब जग्गू साहब की कोशिशों का नतीजा है। एक चम्मच। अरे अरे अरे, बस 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 बस। मैं कितने दिन थी यहाँ? यही कुछ 28 दिन से। और वो जग्गू साहब तुम्हारे ससुराल वालों से मिलने। नहीं, पार्वती को हम अपनी बहू कभी कबूल नहीं कर सकते। लेकिन बलात्कार का ग्रहण लगा है उसे। वो तो पूरी दुनिया में बदनाम है और तुम चाहते हो कि हमसे बहस क्यों कर रहे हो? कह दिया ना, भगवान भी नहीं उतर कर आएगा तो भी हम पार्वती को अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। बस समाज में हमारी इज्जत है। चलो चलो, तुम लोग चलो, खड़ी क्यों हो? चलो, ये समझते हैं पार्वती ही रह गई है हमारे भास्कर के लिए। भास्कर, तुम्हारा क्या फैसला है? जो घर वालों का फैसला है वही मेरा फैसला है। थैंक यू। इज्जतदार लोग ही बेइज्जत हुई लड़की को अपनी बहू क्यों बनाएंगे? मेरा चेहरा देखकर भास्कर को मेरे चेहरे पर सुहागन की बिंदिया नहीं ग्रहण लगा दिखा देगा। कैसे खुश रहेगा? ठीक ही फैसला किया उसने। मेरा भाग है, आप मुझ पर छोड़ दो। उसे जितना लड़ा था आपने लड़ लिया, जितना करना था कर लिया। बहुत अच्छे हैं आप। जैसे इंसान इस दुनिया में है शायद इसलिए दुनिया चल रही है, वरना सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ। मैं सुनीता आचार्य ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि भारतीय संविधान के प्रति मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की सार्वभौमिकता और एकता को पूरी तरह अक्षुण रखूंगी मैं भरत भाई टीकम भाई तिवारी ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ। मैं भारत की सार्वभौमिकता और एकता पूरी तरह अक्षुण रखूंगी और महाराष्ट्र
राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने दायित्व का निर्वाह निष्ठापूर्वक और शुद्ध बुद्धि से करूंगा और नियमानुसार सभी तरह के लोगों शास्त्री आप बाहर आइए सर आप मेरे साथ आइए आप यहां बैठकर इनसे बात कर सकते हैं मुझे जो करना था मैंने किया अब आपसे विनती है कि आप मुझे उम्र कैद नहीं सजाए मौत दिलाए मेरे लिए अब जिंदगी और भविष्य का कोई माने नहीं रहता ये पारो तो गई शायद फिर कोई ऐसे पारो आपकी अदालत में आए तो ध्यान रखिएगा वकील साहब किसी मरे हुए गरीब को मत मारिएगा मत मारिएगा संजय का खून सरेआम किया उसी लड़की के बचाव के लिए लड़ोगे तुम तुम्हें तो कहा था जो वकील अदालत में असली खूनी को बचा सकता है वही सबसे बड़ा वकील कहलाता है लेकिन ये गलत कैसे चकू हमारा नाम खराब होगा और कंपनी की इज्जत और पैसा कितना पैसा बोलो मैं कहता हूं छोड़ो इस केस को कांति भाई देसाई 20 लाख देने को तैयार हैं उनका केस ले लो चलो 50 लाख मांग लेते हैं देखो हमारा लक्ष्य है रघु जगु एंड एसोसिएट्स उस बाटलीवाला एंड कंपनी के सामने होना चाहिए उसकी टक्कर में बस मुझे इतना ही चाहिए ये प्लेट सोने में होना चाहिए भाड़ में गया ये ऑफिस और भाड़ में गया ये नेम प्लेट शरीफों की लाशों पर बनाओगे तुम ये ऑफिस वकालत करोगे कांति भाई जैसे खूनियों की और संजय जैसे भेड़ियों की ऐसी वकालत सिर्फ तुम करोगे मैं नहीं मैं अपने जमीर को मारकर लड़ नहीं सकता समझे तुम चकू चकू ग्राहक हमारा भगवान है और वकालत हमारा पेशा अब तक तुमने सीखा नहीं मैंने सीखा है जिम्मेदारी और जमीर ग्राहक से पहले आता है अगर इंसाफ दिलाने वाले ही ना इंसाफी करना शुरू कर दें तो क्या होगा इस देश का क्या होगा उस गरीब का जो हमें इंसाफ का देवता समझकर हमारे पास आते हैं हमें अदालत में अपनी जबान बनाते हैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अगर उन्हें पता चल गया कि इंसाफ दिलाने वाले ही लालची बन गए हैं खुदगर्ज बन गए हैं बेईमान बन गए हैं तो क्या होगा देयर विल बी अ सिविल वॉर जानते हो इसका मतलब इंसाफ से सताए हुए ये गरीब नदी की तरह करोड़ों की तादाद में हमारे घरों के नीचे मशाले लेकर आएंगे हमारी माँ बहन बीवी को अपने हाथों से जलाएंगे और हम खड़े देखते रहेंगे तब क्या करोगे तुम तब कौन सा इंसाफ करोगे तुम पेशेवर या जमीरी
और हाँ, मैं पारो के डिफेंस में केस लड़ने वाला हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। तो मेरा भी फैसला सुन लो, संजय का केस मैं लड़ूंगा और मैं देखूंगा कि तुम्हारे आदर्श उस लड़की को कैसे बचा सकते हैं। और याद रहे, अदालत में हम भाई नहीं, दुश्मन हैं। ये सच है। यानी कि तुम मेरे भाई का तेरवां भरी अदालत में करोगे और बताओगे कि वो रेपिस्ट था, बदनाम था? ये भी सच है। और जिस लड़की ने मेरे भाई का कत्ल किया, तुम उसके डिफेंस काउंसिल बनोगे? ये भी सच है। सुमिता उस मासूम लड़की का कोई नहीं है। वो लड़की कौन है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम सच जानना चाहते हो ना, तो मुझसे पूछो। सच ये है कि तुम्हारे दिल में वो लड़की घर कर गई है। सच ये है कि इलाज के नाम पर उस लड़की को हसीन वादियों में ले जाकर गोद में उठाकर गाने गाए जा रहे थे। सच ये है कि उसके साथ बिस्तर पर नाच किया जा रहा था। सच ये है कि उसकी गोरी गोरी चमड़ी को। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मिस्टर जग्गू सिन्हा। इस थप्पड़ का बदला सुनीता आचार्य जरूर लेगी। ये थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें पूरे समाज के सामने। ये थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें भरी अदालत में एक एक वकील के सामने। सुनीता, डोंट यू डेयर कॉल मी सुनीता। तुम सीएम से बात कर रहे हो। अब इंतजार करना जग्गू सिन्हा अपना और उस लड़की की बर्बादी का। इट्स एन ओपन एंड शट केस योर ऑनर। सारे हालात इतने जग जाहिर हैं कि मुजमा पार्वती शास्त्री के खिलाफ ना तो मुझे कोई लंबी चौड़ी स्पीच देने की जरूरत है और ना ही डिफेंस के पास ऐसा कोई रास्ता है कि उसे बचा सके। योर ऑनर, मैं साबित करूंगा कि मुलजिमा पार्वती शास्त्री नॉर्मल होने से पहले एक बीमारी का सामना कर रही थी जो कि फिजिकल नहीं मेंटल थी, यानी दिमागी। उन पर एक पागलपन सवार था और हो सकता है जो भी उन्होंने किया इसी पागलपन के दौरे में किया। मैं अपने गवाही के लिए डॉक्टर एहतशान को बुलाना चाहता हूं। योर ऑनर, परमिशन ग्रांटेड। डॉक्टर एहतशान, जब आपने मुलजिमा को पहली बार देखा तो उनकी दिमागी हालत कैसी थी? बहुत ही खराब और बहुत ही नाजुक। शी वॉज देन इन अ वेरी बैड स्टेट ऑफ स्किट्सोफ्रेनिया, जिसकी वजह से उनको पागलपन के बहुत ही शदीद दौरे पड़ते थे। वो एक अजीब और गरीब वहम का शिकार थी। वहम? वो वहम क्या था डॉक्टर? कभी कभी वो अपने आप को बहुत ही घटिया और बाजारू औरत समझती थी। घटिया और बाजारू, यानी कि वैश्य है ना? जी हाँ, इसलिए मुझे यकीन है कि उन्हें जरूर कोई जबरदस्त ज़हनी धक्का पहुंचा है जिसकी वजह से आज इनकी इतनी बुरी और नाजुक हालत हुई है। यानी मेडिकली स्पीकिंग शी वाज मैड, इनसेन, पागल। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, डिफेंस काउंसिल फिर उसी तरह के बेतुके सवाल पूछ रहे हैं। हत्या के समय मुलजिमा पार्वती शास्त्री पूरी तरह से होश में थी योर ऑनर। उसका पिस्तौल लेकर आना, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद शपथ ग्रहण समारोह में प्रवेश करना और इतने विश्वास, इतने इत्मीनान के साथ पूरी 6 गोलियां चलाना साबित करता है कि यह सब पूर्व नियोजित था, प्लान था और अच्छी तरह से सोचा समझा हुआ था। और इतना सब कुछ करने के लिए एक संतुलित दिमाग चाहिए योर ऑनर, जो पार्वती शास्त्री के पास था। दैट्स ऑल। साहब हैं, उनसे चीफ मिनिस्टर मिलने आई। नमस्ते। 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 आप हमारे घर आए, हमारा अहोभाग्य। क्या आप बता सकेंगे कि पार्वती शास्त्री को कब से जानते हैं? बहुत वर्षों से।
क्या बचपन से ही उसका चाल चलन खराब रहा है? जी इसीलिए तो नहीं छोड़ा आप लोगों ने उसको? नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के समय दर्जनों लोग वहां मौजूद थे। टीवी चैनल्स के सभी कैमरे समारोह को कवर कर रहे थे। सभी लोगों ने देखा कि मुलजमा पार्वती शास्त्री अपनी कुर्सी से उठी और उन्होंने चीख कर संजय आचार्य को आवाज दी। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, विथ योर परमिशन, मैं उस दिन हुए हादसे की वीडियो कैसेट दिखाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। और नियमानुसार सभी तरह के लोगों से किसी भी तरह के विभाग या पक्षपात रखे बिना न्यायोचित व्यवहार। योर ऑनर, पार्वती शास्त्री ने खून किया है। आपने टीवी पर खुद देखा है, सारी दुनिया ने देखा है। हमारे केस का मुद्दा ये नहीं है कि पार्वती शास्त्री के साथ क्या हुआ, हमारा मुद्दा ये है कि पार्वती शास्त्री ने क्या किया, खून, मर्डर। इसीलिए मैं अदालत से विनती करूंगा कि मुलजिमा पार्वती शास्त्री को इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। सब लोग आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने एक बेसहारा लड़की पर आरोप लगते ही उसे छोड़ दिया। लेकिन हम कह सकते हैं, समाज से थोड़ी लड़ सकते हैं। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ अगर आप मेरी मदद करें तो। देखिए, हम आपके सामने बहुत ही गरीब लोग हैं। गरीबी मैं दूर करूंगी। जी कितने पैसे चाहिए आपको? जितने चाहिए मिल जाएंगे। मुलजिमा पार्वती शास्त्री, तुमने संजय आचार्य की हत्या की है या नहीं? मैंने संजय आचार्य की हत्या की है। क्या तुमने यह हत्या जानबूझकर और सोच समझकर की है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि उसने मेरा बलात्कार किया था। लेकिन अदालत ने फैसला दिया था कि संजय ने बलात्कार नहीं किया था। अदालत का फैसला गलत था। ओ, तो तुमने अदालत के फैसले को सही करने के लिए कानून को अपने हाथ में लिया और संजय को गोली से उड़ा दिया, है ना? जी हाँ। मुलजिमा पार्वती शास्त्री, क्या आप जानती हैं कि आपका यह बयान आपको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है? जानती हूँ, लेकिन कुछ लोग फांसी के बाद मरते हैं और कुछ फांसी से पहले। मुझे किसी के रहम की कोई जरूरत नहीं। सुने अपना फैसला, फांसी तो बहुत पहले लग चुकी थी मुझे, उस वक्त जब एक ताकतवर आदमी ने मेरे बचपन, मेरी जन्मत थप्पड़ मार के लूट ली थी। फांसी तो उस वक्त लगी थी जब बिना मेरे आंसू देखे मेरे ससुराल वालों ने मुझे ठुकरा दिया। फांसी तो उस वक्त लगी थी मुझे जब आपके वकील ने बड़ी अदालत में मुझे रंडी और बाजारों का। अब क्या रह गया है, क्या बच गया है? फिर तमाशा क्यों कर रहे हैं? रोज रोज बुला के जलील क्यों करते हैं हमको? ये क्या ढोंग हो रहा है? सबको मालूम है मैंने खून किया है और क्यों किया है। फिर ये दलील और ये बहस क्यों? और ये वकील, हर वकील दूसरे वकील से ज्यादा कामयाब होना चाहता है और आप भी ऊपर तख्त पर बैठे अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि आप किसी को भी फांसी में चढ़ा सकते हैं और किसी को भी बचा सकते हैं। कंट्रोल योर लैंग्वेज मैडम। मेरी एक बेटी है जैसा, मुझे और ज्यादा जलील मत कीजिए। बहुत लोगों ने जलील किया है। एक औरत जलील होने से ज्यादा फांसी का फंदा पसंद करती है। बस, बस, बस।
जाइए, आ जाइए। नेक्स्ट हियरिंग मंडे को होगी, हम तब तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखते हैं। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जी मैं तो पहले भी पार्वती से प्यार करता था और अब भी प्यार करता हूँ। पर बलात्कार के बाद तुमने ही तो त्याग दिया उसे। जी नहीं, मैंने नहीं, मेरे परिवार वालों ने जोर जबरदस्ती की। और आपके वो वकील साहब भी आए थे यहाँ पे, क्या नाम है उनका? जग्गू सिन्हा। जग्गू सिन्हा, जग्गू सिन्हा। क्या क्या कहा था उन्होंने? और नियमानुसार सभी तरह के लोगों से किसी भी तरह के भेदभाव या पक्षपात के बिना न्यायोचित व्यवहार करो। सर, ये संजय बाबू का मेडिकल रिपोर्ट। उन्हें शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी। मालूम है। सर, मुझे तो इस केस में जीतने का कोई चांस नहीं लगता। मालूम है, हमें ये केस तब तक लड़ना है जब तक कि हम ये केस हार नहीं जाते। संजय के फैमिली डॉक्टर को विटनेस के लिए तैयार करो। ऑर्डर, ऑर्डर। इससे पहले कि ये अदालत अपना फैसला सुनाए, अदालत वादी और प्रतिवादी पक्ष के वकीलों से जानना चाहती है कि उन्हें अपने बयानों में कोई आखिरी बात कहनी है। यस योर ऑनर। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे एक और गवाह पेश करने का मौका दिया जाए। क्या, एक और गवाह? बिल्कुल बकवास है योर ऑनर। दिस इज गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ एवरीवन्स प्रेशियस टाइम। ये एक निर्दोष की जिंदगी का सवाल है योर ऑनर। योर ऑनर, दिस इज इन द नेम ऑफ जस्टिस। मुझे एक और गवाह पेश करने का मौका दिया जाए योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मेरे आखिरी गवाह हैं आचार्य परिवार के फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर पोद्दार। डॉक्टर पोद्दार, आचार्य फैमिली को आप कब से जानते हैं? फर्स्ट साल से। इसका मतलब आचार्य फैमिली के सभी हेल्थ सीक्रेट सबको मालूम होंगे कि किसे क्या बीमारी थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये कैसा सवाल है? डिफेंस को कोई हक नहीं है किसी से व्यक्तिगत बातें पूछने का। डॉक्टर पोद्दार, आपको यह अधिकार है कि आप ऐसे किसी सवाल का जवाब ना दें जो आपके प्रोफेशन के खिलाफ जाता हो। दैट्स योर प्रिविलेज। नाउ यू कैन कंटिन्यू। आप कभी संजय के साथ विदेश गए? आप कभी संजय के साथ विदेश गए? सॉरी, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। क्यों नहीं? इट्स अ वेरी सिंपल हार्मलेस क्वेश्चन। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस जवाब देने के लिए किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इट्स नॉट इन द लाइन। इट इज इन द लाइन योर ऑनर। जो बात इनके पासपोर्ट और वीजा में दर्ज की गई है उसे यहां कहने में क्या हर्ज है? लेकिन यह सवाल बहुत ही इररिलेवेंट है। लेकिन यह सवाल इस केस के लिए रेलेवेंट है योर ऑनर। होगा, लेकिन अदालत का वक्त बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट। ऑर्डर, ऑर्डर। नो पर्सनैलिटीज प्लीज। आई वॉन्ट बोथ ऑफ यू। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। चलिए मैं आपकी मदद करता हूं डॉक्टर पोद्दार। ये हमारे एक सिटी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है जिसके अनुसार संजय को सिर्फ 2 महीने पहले एक बहुत जबरदस्त हार्ट अटैक हुआ था। ड्रग्स की वजह से उसका पूरा नर्वस सिस्टम तहस नहस हो चुका था। छोटे से छोटा मामूली शॉक भी उसके लिए जानलेवा था। इसीलिए किसी डॉक्टर का उसके साथ हर वक्त होना जरूरी था। हां या ना? सही है। क्या इसीलिए आप अपने मेडिकल बैग के साथ स्वेरिंग इन सेरेमनी में संजय के पास बैठे हुए थे कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए? जी हां, भीतर से उसकी हालत नाजुक थी। जब संजय ने मुलजिमा की आवाज सुनी और उसे देखा तो उसका रिएक्शन क्या था? वो शॉक जानलेवा था। संजय का हार्ट फेल हो चुका था और वो नीचे ही गिरने वाला था। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस घटना की वीडियो क्लिपिंग दोबारा इस कोर्ट में दिखाने की इजाजत दें ताकि इससे यह साबित हो जाए कि पार्वती शास्त्री बेकसूर है।
तो उसने सिर्फ गोलियां चलाई है, हत्या नहीं की है। परमिशन ग्रांटेड योर ऑनर। वारदात के समय मंच पर शपथ ले रहे संजय आचार्य पर पार्वती को 6 गोलियां चलाते तो सभी ने देखा, पर संजय आचार्य की मौत कैसे हुई ये किसी ने नहीं देखा। आइए हम कैमरा की दूसरी तरफ से देखते हैं। निष्ठापूर्वक और शुद्ध बुद्धि से करूंगा। और आवाज सुनते ही उसके दिल को धक्का लगा, लेकिन पार्वती की पहली गोली उसे नहीं लगी, दूसरी गोली भी नहीं लगी। संजय को दिल का दौरा पड़ने लगा, यानी हार्ट अटैक। ये देखिए किसी को, ये चौथी, ये पांचवी, संजय का हार्ट फेल हो गया। संजय गिरा और पार्वती ने 6 गोली चलाई, पर तब तक संजय मर चुका था। यानी पार्वती की 6 गोली संजय की डेड बॉडी को लगी। योर ऑनर, योर ऑनर, कानून और कुदरत दोनों का ही एक नियम है, मरे हुए को दोबारा नहीं मारा जा सकता। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिमा पार्वती शास्त्री, सारे सबूत और गवाहों के बयानात सुनने के बाद ये बेंच इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिमा पार्वती शास्त्री को आर्म्स एक्ट के तहत बिना लाइसेंस के पिस्तौल रखने, गोली चलाकर शांतता भंग करने तथा मरहूम संजय आचार्य की हत्या करने की कोशिश के लिए उन्हें 3 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाती है। लेकिन संजय आचार्य की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, ये साबित होने के बाद मुलजिमा पार्वती शास्त्री को हत्या के आरोप से बाइज्जत बरी किया जाता है। साहब, भगवान मेरी उम्र तुम्हें दे दे बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं पारो, मैं किसी धन्यवाद का हकदार नहीं हूं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं पारो। अदालत के दांव पेंचों से तो मैंने तुम्हें निकाल दिया, लेकिन जिंदगी के दलदल में जो तुम जा रही हो उसमें से तुम्हें कौन निकालेगा? ईश्वर नाम की कोई शक्ति है वो निकालेगा वकील साहब, वो निकालेगा। नहीं, ईश्वर नहीं है, ईश्वर कहीं नहीं है। ईश्वर है जग्गू साहब, ईश्वर है। डॉक्टर तुम? अरे मुझे क्या देख रहे हैं जनाब, इधर देखिए। मुझे माफ कर सकोगी पर? शर्म के तुम्हारे पास आया हूं, उसी तरह तुम बिना झिझक के मेरे गले लग जाओ।